लो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सभी? तो आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे। तो गाइस मैं विशाल और स्वागत है आपका धिक के विशाल एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में। गाइस यार आज की जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग मजेदार होने वाली है। आप क्या करते हो कि अगर आपके पास मोबाइल चार्जर खराब हो जाते हैं तो उसे क्या करते हो, आप कबाड़ी में फेंक देते हो। उसी कबाड़ खाने से हमने ले आया बहुत ही मस्त मस्त चार्जर खराब और उसे बहुत ही मस्त मस्त सब प्रोजेक्ट हमें बनाने वाले हैं, वो भी 3 प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो कर दो लाइक, क्योंकि हमारे चैनल पर इस टाइप का मस्त मस्त वीडियो आते रहता है और आते ही रहेगा। तो चलिए चलते हैं स्टूडियो के अंदर, देखते हैं उसका पूरा फुल मेकिंग वीडियो इसे कैसे कैसे बनाते हैं। तो चलिए को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। देख सकते हैं हमारे पास काफी सारा खराब जो चार्जर है वो हमारे पास आ चुका है। तो इसी का आज मतलब यूज करके हम आपको बताने वाले हैं कि 3 मस्त मस्त सा प्रोजेक्ट इसे बना सकते हो, काम में इसे ले सकते हो, काफी सारा पैसा भी बचा सकते हो। जी हाँ गाइस, तो वीडियो का पूरा फुल वॉच करना, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे हमने पहले से इसको काट लिया था, देख सकते हो, आपको मैं दिखा दूं कि यहाँ पे जो है मेन ये मतलब ओरिजिनल चार्जर है बड़ा वाला मोबाइल का। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो इसका किट है वो खराब हो चुका है, यहाँ पे भी देख सकते हो हमने इसको निकाल दिया है। इसमें गाइस देख सकते हो हम लेंगे ये वाला चार्जर, देख सकते हो इसका मैं किट उट सारा निकाल दिया हूँ, देख सकते हो काफी सफाई से मैंने इसको कर दिया है, देख सकते हो। तो चलिए मैं इसका यूज लेके आपको बताता हूँ कौन से इससे प्रोजेक्ट हम बना सकते हैं। तो चलिए नंबर 1 की तरफ हम चलते हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास होल्डर है, यहाँ पे देख सकते हो ये प्लग यहाँ पे नहीं लगा हुआ है। जब हम मार्केट में कुछ प्लग किने जाते हैं तो इस टाइप का मतलब 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए के मिलता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देख सकते हो इसमें जब लगाएंगे हम तो मेरा ठीक से वर्क नहीं करता है और काफी मेरा पैसा ही बर्बाद हो जाता है। तो हम क्या करेंगे गाइस कि लेंगे जो मेरा खराब चार्जर था, देख सकते हो यहाँ पे इसको लेंगे गाइस, इसको हम क्या करेंगे कुछ इस तरह से इसमें हम लगा देंगे और गाइस हम क्या करेंगे इसको हम एक गिट्ठा इसमें लगा देंगे। तो देख सकते हैं जैसे यहाँ पे हम कर रहे हैं, आपको भी बढ़िया से इसमें कर लेना है। तो देख सकते हैं हम यहाँ पे एक गिट्ठा मार दिए। उसके बाद गाइस हमको क्या करना होगा कि इसमें देख सकते हो यहाँ पे 2 पॉइंट हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो 2 पॉइंट है। तो इसको हमको क्या करना है, इस दोनों में सोल्डिंग कर देना। चलिए फटाफट से मैं सोल्डिंग कर देता हूँ। तो गाइस यार देख सकते हो काफी मस्त तरीका से हमने यहाँ पे लगा दिया है गाइस। उसके बाद हमको क्या करना होगा, तो चलिए गाइस अब हमको क्या करना होगा कुछ इस तरह से इसमें हमको अब बढ़िया से बैठा देना होगा। तो चलिए फटाफट से बैठा देता हूँ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफी मस्त तरीका से बैठ चुका है, यहाँ पे एक हमको फेविकिट डाल देना होगा। चलिए मैं वायर बता दूंगा पहले क्या करना होगा, हमको चेक करना होगा कि इसमें लाइन आ रहा है बढ़िया से या नहीं। तो देख सकते यहाँ पे हमने लगा दिया, अब हमको लेना होगा एक LED। तो देख सकते यहाँ पे जैसे हम लगाएंगे गाइस काफी मस्त तरीके से वर्क कर रहा है। तो यहाँ पे मेरा 10-20 रुपए बच चुका है खराब चार्जर से, हमने बना दिया एक मस्त सा प्लग और देखने में काफी मस्त लग रहा है बिल्कुल मॉडिफाई की तरह। तो देख सकते हैं आपको ये आइडिया कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना। चलिए चलते हैं दूसरे की तरफ। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे चार्जर का किट ले लिया है, यहाँ पे देख सकते हो। और गाइस मैं इसके में दिखा दूं क्या क्या इसमें सामान निकलता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे 0 डायोड एक लोक रहा होगा, आपको मैं दिखा दूं बढ़िया से। तो देख सकते हो यहाँ पे एक 0 डायोड लोक रहा है, ये काफी ज्यादा काम में आता है। यहाँ पे देख सकते हो PF कैपेसिटर मिल जाएगा कुछ मतलब मॉडिफाई के, देख सकते हो यहाँ पे 2.2 UF का है और 450 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर एक मिल जाता है। यहाँ पे तो देख सकते हो 220 UF 105 वोल्ट का यहाँ पे कैपेसिटर है और यहाँ पे देख सकते हो रेजिस्टेंस है, डायोड है, यहाँ पे देख सकते हो डायोड 2-2 इसमें दिया गया है। उसके बाद से देख सकते हो काफ़ी डिजाइन के तरह रेजिस्टेंस दिया गया है। एक यहाँ पे देख सकते हो LED हमारा देखने को मिल जा रहा है, देख सकते हो काफ़ी मस्त मस्त इसमें मतलब सामान है। और दूसरा में देखोगे तो उसमें भी काफ़ी मस्त मस्त सामान है। तो देख सकते हो यहाँ पे भी
पीएफ कैपेसिटर लगा हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो चार डायोड यहाँ पे है, एक डायोड यहाँ पे, मतलब पांच डायोड, एक यहाँ पे डायोड है। यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी जीरो डायोड दिया गया है, देख सकते हो यहाँ पे इसमें काफ़ी सारा रेजिस्टेंस भी दिया गया है। तो या इसमें से लगा के आप काफ़ी मस्त मस्त प्रोजेक्ट बना सकते हो। यहाँ पे भी एक एलईडी मिल जाता है आपको। तो देख सकते हो यहाँ पे काफ़ी मस्त मस्त मतलब सामान यहाँ पे दिया गया है। तो इसको ही काल के काफ़ी मस्त सा एक बना सकते हो प्रोजेक्ट। और यहाँ पे देख सकते हो दिया गया ट्रांसफार्मर भी यहाँ पे दो दो दिया गया, एक चार्जर में एक मिलता है। तो इससे भी काफ़ी मस्त मस्त आप प्रोजेक्ट बना सकते हो। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रोजेक्ट बना के इसका भी दिखा सकता हूँ गाइज। तो कमेंट जरूर से करना क्या मैं इसे प्रोजेक्ट बनाऊं या फिर नहीं। चलिए चलते हैं तीन नंबर के पास। तो फिर से हमके वही चार्जर ले लिया है जिसमें हमने प्लॉक लगाया था, क्योंकि हमको बना कर दिखाना है गाइस। तो फिर से हमको उसको निकालना पड़ा, मैं बाद में उसको फिर से लगा दूंगा। अगर ये बढ़िया लगा तो मैं इसी को छोड़ दूंगा गाइस। चलिए फटाफट से अब थर्ड के नंबर के पास चलते हैं। और गाइस लेना होगा हमको दो पहले वायर, देख सकते हो यहाँ पे। और हमको क्या गाइस क्या करना होगा, इसमें कर देना होगा पहले वायरिंग। तो चलिए मैं फटाफट से करता हूँ। तो जब तक हम वायरिंग कर रहे हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। इसमें वायरिंग करना काफ़ी आसान है। तो हमको दो वायर इसमें जोड़ देना होगा कुछ इस तरह से। एक वायर इसमें हमने जोड़ दिया और फिर से हमको एक वायर इसमें जोड़ देना होगा बढ़िया से। तो जैसे मैं जोड़ रहा हूँ आपको भी वैसे ही जोड़ देना होगा गाइस। उसके बाद हमको क्या करना होगा, तो देख सकते हो यहाँ पे जोड़ दिया। उसके बाद गाइस हमको क्या करना होगा, इसमें से हमको वायर को कुछ इस तरह से निकाल देना होगा। देख सकते हैं हमने निकाल दिया है। और गाइस उसके बाद इसको हमको बढ़िया से लगा के, और उसके बाद गाइस हमको देख सकते हैं यहाँ पे हमने एक डीओवी लिया है, देख सकते हो ये सतरंगी कलर का डीओवी है और डायरेक्ट की एसी पे काम करता है। तो हमको इसी को जलाना है, तो इसमें डायरेक्ट हमको यहाँ पे चिपकाना होगा, देख सकते हो यहाँ पे हमको चिपकाना होगा। उससे पहले हम क्या करेंगे कि इसमें हम बढ़िया से गांठ बांध के फेविकिट से को इसको चिपका देंगे। चलिए मैं फटाफट से चिपका देता हूँ। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो इसमें कुछ इस तरह से इसमें पहले लगाना होगा, और लगाने के बाद हमको गाइज क्या करना होगा, हल्का से इस पर फेविकिट पहले डाल देना होगा इस तरह से कुछ। उसके बाद गाइज हमको बढ़िया से इस पर चिपका देना होगा कुछ इस तरह से। तो आप भी बढ़िया से इसको चिपका लेना। तो देख सकते हो हमने यहाँ पे इसको चिपका दिया है। उसके बाद गाइज हमको क्या करना होगा, तो चलिए मैं फटाफट से इसमें अब कनेक्शन को कर देता हूँ। तब तक आप वीडियो में बने रहो। तो देख सकते हो जैसे यहाँ पे इसमें माइनस और प्लस का कोई झंझट नहीं है। यहाँ पे दो वायर दिया गया है, इसमें दोनों वायर को हमको सोल्ड कर देना होगा। तो देख सकते हैं मैं सोल्डिंग इसमें कर दिया हूँ, आपको भी वैसे ही कर देना होगा। उसके बाद गाइज हमको क्या करना होगा, इसमें लगा देना होगा एक डिफ्यूजर, देख सकते हो कुछ इस तरह से एलईडी में ये मिल जाता है, उसी को आपको लगा देना होगा। उसके बाद फेविकिट सेल का इसको भी आपको चिपका देना होगा। चलिए मैं फटाफट से चिपका देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो तो काफी मस्त तरीका से ने बना के तैयार कर दिया, देखने में काफी ज्यादा मस्त लग रहा है गाइस। यहाँ पे मक्खी उखी थोड़ा सा लग रहा है क्योंकि ठंडा का दिन आ गया है, मच्छर उच्छर काफी सारा लग रहा है। चलिए मैं उस सबको बात को हटाता हूँ। और देख सकते हो यहाँ पे बोर्ड ले लिया, और जैसे यहाँ पे हम लगाएंगे गाइस यहाँ पे देख सकते हो काफी मस्त तरीका से एलईडी जो है ग्लो कर रहा है, मतलब उजला कलर। जैसे यहाँ पे बटन को ऑन ऑफ करेंगे दूसरा कलर स्टार्ट हो जाएगा। तो देख सकते है अब ये ऑटोमेटिक कलर जो है चेंज करना ही स्टार्ट कर देगा। उसके बाद जैसे हम यहाँ पे करेंगे अब आस्ते आस्ते ये कलर जो है वो चेंज होता रहेगा, देख सकते हो। उसके बाद जैसे यहाँ पे लगाएंगे सिर्फ अब रेड एलईडी जो है वो ग्लो होगा। चलिए मैं लाइट को जो है बंद कर देता हूँ, देख सकते हैं। फिर अब ऑन ऑफ करेंगे तो देख सकते हो हरा कलर का एलईडी है ग्लो करने लगा। फिर मैं ऑन करूँगा, फिर मैं ऑन करूँगा, जितना बार मैं ऑन करता रहूंगा उतना बार जो एलईडी वो कलर चेंज करते रहेगा। और गाइस आप अगर कमेंट करते हो तो यहाँ पे हम इसमें स्पीकर भी लगा के आपको दिखाने वाला है, जो कि डायरेक्ट ब्लूटूथ से इसको आप ऑपरेट कर सकते हो। तो आपको ये लाइट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, तीनों आइडिया कैसा लगा कमेंट जरूर करना। और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पे इस टाइप का अमेजिंग वीडियो मिलते रहता है और मिलते ही रहेगा। यार आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो।
क्योंकि हमारे चैनल पे मस्त मस्त प्रोजेक्ट की वीडियो आते रहता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, लव यू दोस्तों, बाय बाय।